हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन विद ए स्पेशल रेफरेंस टू द ह्यूमन बीइंग। उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे एनिमल जो कि अमोनिया को एक्यूमुलेट करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं, यूरिया को जो एक्यूमुलेट करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं, यूरिक एसिड को जो एक्यूमुलेट करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें अमोनिया एक्यूमुलेट होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए वाटर बहुत एसेंशियल होता है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। जबकि यूरिक एसिड और यूरिया ह्यूमन बींग या इस तरह के एनिमल्स में होते हैं जो पानी के बाहर रहते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल्स में, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होते हैं, इजीली थोड़ी देर रह सकते हैं बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, और ऐसे एनिमल्स को अमोनोटेलिक बोलते हैं, जैसे बोनीफिसेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स। इसके बाद यूरिकोटेलिक की बात करते हैं या यूरियोटेलिक पहले बात कर लेते हैं, तो मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मराइन फिशेस जो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं उनको यूरियोटेलिक बोला जाता है। देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और इसलिए इनको यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है। अब ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें दो पेयर किडनी होती हैं, से दिस किडनी बीन शेप्ड होती हैं ये किडनीज। किडनी का अगर टीएस करके देखा जाए तो जहाँ पे इससे बाहर की ओर निकलती है एक पाइप, इसको यूरेटर बोलते हैं, ये यूरिन को कलेक्ट करती है यहाँ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाती है। अगर इसका टीएस काट दें किडनी का, तो कौन कौन से पोर्शन दिखते हैं? यहाँ जहाँ की अंदर की ओर ग्रूव आर्टरी और वेंस गए हैं इसको पेल्विस बोलते हैं। इस एरिया को जो कि अंदर की ओर थोड़ा धंसा हुआ पेल्विस बोलते हैं। बाहर का ये जो पोर्शन है जो थोड़ा लाइटर है इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और अंदर ये जो डार्क बैंड्स बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं इनको मेडुला कहा जाता है। देन इन्फीरियर वेना कावा है, और ये अर्टरी डॉर्सल एओर्टा है। तो इस तरह से ये ह्यूमन का यूरिन सिस्टम बनता है। नाउ दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, इट इज़ डायग्रामेटिक नॉट ओरिजिनल। तो इसको समझते हैं, इसमें देखिए ये पोर्शन जहाँ पे कि रीनल वेन और ये अर्टरी दिख रही हैं, और ये ग्रूव बना हुआ है जिसमें से यूरेटर बाहर की ओर निकल रहा है, दिस इज़ यूरेटर। इस पोर्शन को पेल्विस कहा जाता है, इसको रीनल पेल्विस का नाम दिया गया है ये जो ग्रूव गया है। देन इस पेल्विस से कई ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस के एक किसी भी एक पोर्शन को, एक ब्रांच को कैलिक्स कहा जाता है। ये कैलिक्स आगे जाकर के एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड बोला जाता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स। हर मेडुलरी पिरामिड के बीच में कुछ जगह बन रही है, इसको रीनल कॉलम बोलते हैं, और ये जो डेंस एरिया है ये मेडुला बनाता है, जबकि इसके बाहर का एरिया कॉर्टेक्स बनाता है। सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग रीनल कैप्स्यूल है। तो ये तो था किडनी का सेक्शन। अब हर एक किडनी में फंक्शनल यूनिट होती है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन एक किडनी में एटलीस्ट 100,000 के आसपास तो होती ही हैं। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा होता है जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो अफरेंट अर्टरियोल के गोल घूमने के कारण होता है। यहाँ इसकी वजह से, घूमने की वजह से पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, इससे फिर बाहर की ओर निकलने वाले अर्टरियोल इफरेंट अर्टरियोल कहलाती है। डिफरेंस क्या है? अफरेंट अर्टरियोल थोड़ा सा मोटा होता है, इफरेंट अर्टरियोल पतला होता है।
और ये जो गोल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस इकट्ठा रहता है। यहाँ पे ये कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा है, येलो वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूटेड हिस्सा है यानी सिकुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक, समीप, किसके नज़दीक है, बॉमेन कैप्सूल के नज़दीक है, इसलिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर जो कन्वोल्यूटेड हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से लिम्ब्स नीचे की ओर जाती हैं और यू शेप्ड बनाती हुई ऊपर की ओर आती हैं। जब ये नीचे की ओर जाती है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जब ऊपर की ओर आती है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। एक्चुअली असेंडिंग लिम्ब में कुछ दूर पतला सेक्शन होता है और कुछ दूर ये थोड़ा मोटा होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा है क्लियर, पर ये थोड़ा सा मोटा होता है। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब को मिला करके लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप बोला जाता है। जबकि ये जो कैपिलरीज हैं ब्लड की, आर्टेरियोल की, यहाँ पे वैसा रेक्टा फॉर्म करती हैं, दिस आर नाउ वैसा रेक्टा, हियर इट इज टर्म्ड एज वैसा रेक्टा। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब है यानी ऊपर जाने वाली, ये दूर जा कर के फिर से कन्वोल्यूट हो जाती है, लेकिन दूर जाके होती है इसलिए डिस्टल बोलते हैं, किससे दूर है, बाउमेन से, इसलिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और फिर ये ओपन होती है कॉमन कलेक्टिंग डक्ट या डक्ट ऑफ बेलिनी में, ये आके ओपन होती है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये फिगर इसमें बॉमेन कैप्सूल को थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया गया है। अफरेंट आर्टेरियोल देखिए, इसका डायमीटर बड़ा है, यहाँ पे आके गोल गोल घूमता है और एक पूरा गुच्छा बनाता है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर ये जब बाहर की ओर आर्टेरियोल निकलती है तो थोड़ा सा पतला है, इसका डायमीटर पतला हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का इनफ्लो तो ज़्यादा होता है बट आउटफ्लो कम होता है, तो इस पोर्शन में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, 70-75 के आसपास हो जाता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। इसको अगल बगल से ये बॉमेन कैप्सूल के अंदर ये पड़ा रहता है, एंड दिस इज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एक्चुअली थ्री मेन प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में काम करते हैं। जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जो कि ग्लोमेरुलस पे होता है, और इसीलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान से, ये अफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल जो बाहर की ओर निकल रही है, बीच में आके ये गोल गोल घूम जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है। वो पार्शियल प्रेशर लगभग 75 mmHg का है। अब ये सेल्स बॉमेन कैप्सूल की हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ बॉमेन कैप्सूल, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ सेल हैं इनको पोडोसाइट बोलते हैं, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेट छनता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म ये है कि जो 75 है, जब प्रेशर बनता है तो फिल्ट्रेट बाहर जरूर निकलता है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रेशर लगता है इसके अपोजिट, जैसे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg लग रहा है इसके अपोजिट साइड में। इसी तरह से इंट्रा ट्यूब्यूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये 20 mmHg, तो 30 + 20 50 mmHg, इतना प्रेशर इस 75 के अगेंस्ट लग रहा है, तो 75 में से अगर 50 माइनस भी कर देते हैं तब भी 25 बचता है, और 25 का प्रेशर बहुत है कि इसमें अंदर की ओर जो फिल्ट्रेट है आसानी से इस ट्यूब्यूल के अंदर की ओर छन के आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। द सेपरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स फ्रॉम द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स इन द ब्लड इज टर्म्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द फिल्टर्ड आउट फ्लूड इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और कैप्सुलर फिल्ट्रेट और अल्ट्रा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन रेट की बात करें, GFR
ये लगभग 1100 से 2000 लीटर ब्लड ह्यूमन में जो कि पर डे छनता है, और ये 225 टाइम्स ज़्यादा है टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, उससे ज़्यादा है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन सिर्फ 1 या 1.5 लीटर ही शरीर के बाहर निकलता है, बाकी जितना भी छना हुआ पार्ट होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब 80% जो वर्क है वो इस नेफ्रॉन में ही पूरा हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन का। तो पहला स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर 1100 या 2000 लीटर ब्लड छन चुका है तब तो ऐसे तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो सिर्फ एसेंशियल और जो ज़्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिक मटेरियल हो गया है यूरिया, सिर्फ वो बॉडी के बाहर जाए, बाकी सब बॉडी में ही रह जाए, और सारा वाटर फिर से बॉडी में आए, मिनरल्स मटेरियल्स, और बॉडी का होम्योस्टेसिस बना रहे, बॉडी लिविंग रहे, इसलिए रीअब्सॉर्प्शन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये PCT है, ये डिसेंडिंग लिम है, ये असेंडिंग लिम है, और ये DCT है। देन ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट या डक्ट ऑफ बेलनी बोलते हैं इसको। मोस्ट ऑफ 80 से भी ज़्यादा% जो PCT के पास एब्जॉर्प्शन हो जाता है रीअब्सॉर्प्शन, लाइक ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, बहुत सारे यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं एब्जॉर्प्शन रेट कम होती जाती है। सिर्फ ये H2O के लिए परमिएबल होता है, बाकी सबके लिए परमिएबल नहीं होता है लुपोफेनले। एट दिस पोर्शन यूरिया मूव्स इनसाइड, वेयरस NaCl एट आउटसाइड बहुत मुश्किल ही होता है कि असेंडिंग लिप में बाहर की ओर निकले। नॉर्मली ये जो थिक सेगमेंट है जहाँ से थिन वाला ख़त्म होता है, वहाँ से फिर सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो पाता है। नियर टू DCT फिर से रीअब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ती है और मिनरल्स और एसेंशियल थिंग्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। बेलिनी में भी H2O रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ज़्यादा, सोडियम और क्लोराइड थोड़े से कम एक्टेंट में, ज़्यादा H2O का यूज रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इन पे कुछ हार्मोन्स भी इन्फ्लुएंस अपना डालते हैं, जैसे एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये क्या करता है? ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से कराता है। तो इसी से जुड़ी हुई एक डिजीज़ भी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, अगर ADH का सिक्रेशन नहीं होगा तो ये DCT है, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, बॉडी से सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो पर्सन की डेथ हो जाती है। नॉर्मली 6 से 7 घंटे में ही मर जाता है आदमी। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, इसका भी इफेक्ट होता है यहाँ पे, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये वाटर अपटेक को बढ़ाता है, साथ ही साथ सोडियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से कराता है इस पोर्शन पे, इस पूरे पोर्शन पे सोडियम को अच्छे से एब्जॉर्ब कराता है। इसके साथ ही साथ एल्डोस्टेरॉन DCT पे कार्बोनेट आयंस के एब्जॉर्प्शन को भी इनिशिएट करता है, तो सोडियम कार्बोनेट आयंस के एब्जॉर्प्शन को इनिशिएट करता है। ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस था। इसके बाद यूरिनेशन में इस मैकेनिज्म में आगे है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। सो इसमें वेसल रिक्टा और लूप ऑफ हेनले एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में काउंटर करंट मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये नेफ्रॉन वाला पार्ट है और ये वेसा रेक्टा वाला पोर्शन है। इसका फ्लो देखिए, इसका फ्लो है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यानी एक नीचे की ओर, सेम नेफ्रॉन में नीचे की ओर एक साइड में आता है, फिर जब लूप बन जाता है तो ऊपर की ओर जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, जिसकी वजह से काउंटर करंट का इफेक्ट बनता है। ठीक यहाँ पे भी वही कंडीशन है वैसा रिक्टा में, पहले नीचे की ओर जाता है फिर ऊपर की ओर, तो फिर यहाँ भी काउंटर करंट बनता है, और दोनों बिल्कुल अगल बगल होते हैं, ये नेफ्रॉन भी और वो
वैसेरेक्टा भी, इसलिए दोनों पे ही काउंटर करंट मैकेनिज्म एक साथ मिलके ये वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं ये देखिए, कॉर्टेक्स, ये आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला। ना हाउ दे वर्क, एक्चुअली जितना ऊपर जाते हैं कंसंट्रेशन, देखिए कहीं 300 लिखा है, कहीं 400, कहीं 600 और सबसे नीचे 1200। तो जब ऊपर की ओर रहते हैं तो डाइल्यूशन ज़्यादा होता है, H2O की जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन पे हमने पहले ही देखा रीअब्जॉर्प्शन PCT में भी और DCT में भी, रीअब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जा रहा था। तो जब रीअब्जॉर्प्शन स्पेशली न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, वाटर का कम हो रहा था, यानी ये डाइल्यूटेड अभी भी 300 है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते थे हमने देखा कि ये वॉल्स जो होती हैं इम्परमिएबल हो जाती हैं, किसके लिए? सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो दैट्स वाई क्या होता है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है, ऑस्मोसिस होती रहती है। ऑस्मोसिस होती रहेगी, वाटर कम होता जाएगा, तो वाटर में न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये 600 800, अब यहाँ भी ऑस्मोसिस होकर आराम से ये निकल जा रहा है वाटर। तो ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, एट द बेस ऑफ लूप इट इज़ 1200 1200, सबसे ज़्यादा यहीं पे वाटर की कमी होती है। फिर जैसे जैसे ऊपर आते हैं फिर से ये क्या होगा, डिफ्यूज़न हो गया NaCl का, तो फिर से जो कंसंट्रेशन था वो कम होने लगा, इसीलिए देखिए फिर से 300 400 300 200 होता जाता है। सो दिस इज़ हाउ द काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क इन द वैसेरेक्टा एंड नेफ्रॉन। अब इसके बाद किडनी को रेगुलेट करते हैं कुछ हार्मोन्स और कैसे उनके फंक्शंस वर्क करते हैं इसको देख लेते हैं। तो किडनी के रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसको हाइपोथैलेमस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस GJA इसको लिखा गया है यहाँ पे, दिस GJA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस और थोड़ा सा ह्यूमन का हार्ट, ये तीनों मिलके किडनी को थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हैं। अभी डायूरेटिक हार्मोन की बात करते हैं या वैसोप्रेसिन, इसका इफेक्ट अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, ये क्या करता है DCT पे वाटर के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट कर देता है। इसी तरह से एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट भी हमने देखा था। तो इस तरह से क्या होगा कि जब ADH ज़्यादा फ्लो करता है तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलर का ब्लड फ्लो बढ़ेगा और GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो अपैरेटस है थोड़ा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल को शो करता है। जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होने लगता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होती हैं, रेनिन को रिलीज करती हैं, इट रिलीजेस रेनिन जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी जो ब्लड की वेन होती है उसको सिकोड़ देती है, उसको पतला कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर बढ़ जाने से क्या होगा, GFR बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करती हैं जहाँ से एल्डोस्टेरॉन निकलता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, सोडियम के अपटेक को बढ़ा देते हैं और वाटर को कहाँ से, DCT से, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वाले पोर्शन से। दिस आल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड GFR। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहा जाता है। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्ट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज बाय द रिलीज ऑफ आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ANF। ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन, यानी ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, इसकी वजह से ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। तो ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज टू चेक द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के अपोजिट वर्क करता है। कौन सा वर्क फैक्टर, ANF यानी आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे एल्डोस्टेरॉन का कंट्रोल किया जाता है। जैसे किडनी से रेनिन निकलता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को
एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन वन एंड टू। फिर एंजियोटेंसिन टू क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, साथ ही साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है तो वहाँ से एल्डोस्टेरोन निकलती है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ट्यूब्यूल सेल्स से रीअब्जॉर्प्शन करा देता है सोडियम का, साथ ही साथ वाटर का भी, सोडियम का ज़्यादा कराता है। सो ये मेकेनिज्म हो गया जिसमें कि इफ़ेक्ट हो रहे थे हमारे नेफ्रॉन्स थ्रू द डिफरेंट हॉर्मोन्स। अब लास्ट पोर्शन की बात करते हैं जिसे सिक्रीशन या मिक्टूरिएशन भी कहा जाता है। मिक्टूरिएशन का मतलब है कि कैसे बाहर की ओर निकलता है जो स्टोर्ड यूरिन है। तो यूरिन जो बनता है नेफ्रॉन्स में वो इकट्ठा होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जहाँ पे एक वॉलेंट्री सिग्नल दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग द यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तो स्ट्रेच कंडीशन में आता है। जैसे स्ट्रेच होता है तो एक सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है मैसेज, तो फील होता है कि प्रेशर इज क्रिएटेड एट द जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से कि ह्यूमन में अगर मेल की बात करें तो पेनिस के आसपास थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल में भी ऐसा ही पोर्शन स्टार्ट होता है। सो इट इज़ वॉलेंट्री एक्शन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस तरह से फिर यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम किडनी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो पहला है पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है रीनल पेल्विस में या कैलिसिस में या इंटरस्टिशियल टिश्यू में। तो क्या है, इट इज़ ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। सिम्टम्स क्या हैं, डिजीज़ इंक्लूड पेन इन बैक एंड फ्रिक्वेंट, साथ ही साथ पेनफुल यूरिनेशन भी होता है। करता क्या है इसमें कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म, और विक्टिम फेल हो जाता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेकेंड डिजीज़ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगेन ये ग्लोमेरुलस पे होता है, और इसमें जब चोट लग जाए किडनी को तो बैक्टीरियल टॉक्सिन या ड्रग का रिएक्शन हो जाता है। इस तरह से अब ड्रग में प्रोटीन भी हो सकता है, आरबीसी भी हो सकता है जो फिल्ट्रेट से आती हैं। देन सिस्टिटाइस, सिस्टिटाइस का मतलब है ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाना। यूरिनरी ब्लैडर में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ही पेन होता है यूरिन डिस्चार्ज करने में। देन यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब एक्सेस अमाउंट में यूरिया जब प्रेजेंट हो जाए वो भी ब्लड में, तो इसको बोलते हैं यूरेमिया, और ये पॉइजन की तरह वर्क करने लगता है और फिर किल करने लगता है सेल्स को। देन किडनी स्टोन, जिसे रीनल कैलकुलस भी कहा जाता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड और ऑक्सलेट। इट ब्लॉक्स द किडनी ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल के पास छोटे छोटे दाने के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बाद में अगर सीवियर कंडीशन है तो बहुत बड़ा स्टोन बन जाता है, फिर इसको सर्जरी करके ही निकालना पड़ता है, काट के निकालना पड़ता है। लास्ट में रीनल फेल्योर की बात करते हैं। तो रीनल फेल्योर का मतलब है कि किसी भी तरह से किडनी एक्सक्रीटरी पोर्शन को, जो अभी हमने तीन प्रोसेस पढ़े हैं उनमें से किसी एक पोर्शन को भी अगर ये पूरा नहीं कर पाता है, एक्सक्रीशन नहीं कर पाता है, रेगुलेशन नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं रीनल फेल्योर या किडनी का फेल हो जाना। इसके कॉज, इसके कारण क्या हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ट्यूब्यूलर इंजरी, चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन, दवाइयों का भी यूज़ करने से कई बार हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए, देन आर्टेरियल और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इससे प्रिवेंशन कैसे करें, तो प्रिवेंशन यह है कि प्रॉपर मेंटेन किया जाए बॉडी फ्लूड को, बॉडी वॉल्यूम को और ब्लड के प्रेशर को, साथ ही साथ डायलिसिस भी हो सकती है इसकी। डायलिसिस शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डायग्नोसिस एज इट इज़ एस्टेब्लिश्ड। आजकल एक प्रोसेस हो गई है किडनी ट्रांसप्लांटेशन या रीनल ट्रांसप्लांटेशन की, जब किडनी फेल हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी किडनी लगाई जाती है, इसको किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। जब दोनों किडनी फेल हो जाए तब एक किडनी से भी वर्क हो सकता है। तो जब दोनों किडनी फेल हो जाए तो किसी डोनर को ढूंढना पड़ता है। डोनर कौन होना चाहिए, डोनर अगर नज़दीकी रिश्तेदार हो तो सबसे अच्छा है,
क्योंकि कई बार जेनेटिक और बॉडी फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि हर किडनी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके लिए एंटीजन और एंटीबॉडीज मेनली प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सो डोनर ऐसा होना चाहिए जो इजीली आपको डोनेट भी करे किडनी, और साथ ही साथ अगर ब्लड रिलेशन में हो तो इट इज़ द बेस्ट। इट इज़ द न्यू टेक्निक विच इज़ यूज इन द ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा है और बहुत सारा कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेशन इन द ह्यूमन बींग। थैंक यू।